की जो हमारे पास पेयर है, अपन इनका एक अंडा उठा के अपनी लक्का के नीचे रख दें, एक ये पाल लेंगे, एक ये पाल लेंगे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के यार आप सही भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में अपन ने किया था अपने इस लॉफ्ट के अंदर अपना शिराजी पेयर को शिफ्ट। तो भाई एक नहीं दो गुड न्यूज़ हुई है जो भाई मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, और एक भाई बैड न्यूज़ भी है, वो भी मुझे आपको बतानी है, तो वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो अभी दोस्तों देख सकते हो भाई सुबह का टाइम हो रहा है और आज भाई धूप भी नहीं निकली है। कल धूप निकली थी तो हमने क्या किया था, अपने सभी कबूतरों को नहला दिया था, क्योंकि भाई कबूतर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो मैं अभी आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगा ही। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वाटर ड्रिंकर निकालते हैं बाहर और उसी के साथ अपने सभी कबूतरों को खोल देते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, तो अभी हमने अपने सभी कबूतरों को खोल दिया है और ये सभी आ चुके हैं बाहर माशाल्लाह से। और भाई कल देखो हमने इनको भाई नहला दिया था अच्छे से, तो ये आज थोड़े आपको साफ लग रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हमें भी भाई काफ़ी दिन हो गया था तो अजीब से कबूतर लगने लगे थे, मेले मेले से गंदे गंदे से, क्योंकि जब कबूतर बच्चे पालता है तो दिक्कत हो जाती है, मतलब ख़राब होने ही लगता है, किसी के फेदर ख़राब हो जाते हैं खिलाते खिलाते बच्चों को, क्योंकि बच्चे पेटी के अंदर बीट करते हैं, तो इससे कबूतर भी गंदे और ख़राब हो जाते हैं। जो हमने कल नहला दिया था तो अभी आप देख सकते हो हमारे सभी कबूतर पहले से काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे और साफ़ लग रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि अब भाई ये साफ़ हो चुके हैं। तो अभी दोस्तों हमारे सभी कबूतर बाहर आ चुके हैं, और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं आज की वीडियो की, ये हुई है कि दोस्तों ये जो मेल था कल आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, अभी आप देख सकते हो दोस्तों नॉर्मली फ्री हो के घूम रहा है, जैसे कि भाई एसी का घर हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी दोस्तों परसों जब हमने इनको शिफ्ट किया था कि दोस्तों ये उसी टाइम ही सेट हो गए थे, इन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं किया, ना इनको हाथ से बंद करना पड़ा, ये देख सकते हो साथ ही घूम रहे हैं, और ये भाई आराम से खुद ही सेट हो गए थे, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा था। अभी हमारे सभी कबूतर भाई बाहर हैं और सभी घूम रहे हैं। तो बैड न्यूज़ जो बताना थी भाई वो ये थी कि हमारा ये वाला सेंटीनेट बच्चा भाई ना कुछ खा रहा ना कुछ पी रहा, बस ऐसे ही ये जी रहा, देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ये कमज़ोर हो चुका है, और भाई ये कुछ भी नहीं खाता है, इसको मेडिसिन दे दो और या पानी पिला दो तो बहुत थोड़ा बहुत ठीक रहता है, बाकी जब कबूतर खुलते हैं तो थोड़ा एक्टिव रहता है, बाकी सारा टाइम ये ऐसे ही बैठा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखो दोस्तों, ये मैं नया लेकर आया हूँ, अब इसका एक रीज़न ये है कि दोस्तों हमें बचाना है अपने बच्चों को, उसका रीज़न आप ये देख सकते हो, इसके भाई मॉस्किटो ने बाइट किया है अच्छा खासा बच्चा भाई, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, और काफ़ी बच्चे अभी ऐसे हैं जो छोटे छोटे से हैं हमारे लॉफ्ट के अंदर। तो भाई ये कम से कम 3-4 आराम से मैं इसको बदल चुका हूँ इन 2 से 3 महीनों में, क्योंकि मच्छरों का महीना है, बारिश के महीने में सबसे ज़्यादा मच्छर आते हैं, तो ये एक रीज़न है कि भाई हम इसको लगा रहे हैं, और एक बार और मैं इसको ख़रीद लाया ताकि इसका अपन यूज़ कर सके, तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको लगा दिया है, देख सकते हो आप लोग। हाँ भाई शिराजी नहीं है ये, हाँ भाई हो सकता है। तो दोस्तों हमारा जो ग्रे बार शिराजी बच्चा था, हमें लग रहा था भाई ये शिराजी है एक मांग का, लेकिन भाई मुझे लग रहा है ये किसी फैंसी से क्रॉस हुआ है, और ये बन गया भाई आधा ग्रे बार और आधा फैंसी। मार्किंग भाई फुल शिराजी वाली थी, इसकी गर्दन तक प्रॉपर, ऊपर से नीचे कहीं भी मिसमार्क नहीं, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये पूरे वाइट हो गए, और अच्छा अगर ये शिराजी होता तो भाई काफ़ी खूबसूरत काफ़ी एंटिक चीज़ आती, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐसे कबूतर बहुत ही ज़्यादा रेयर और कम निकलते हैं, लेकिन भाई ये शायद क्रॉस है, अब जब थोड़ा और बड़ा होगा सब और कंफर्म हो जाएगा, शुरू में वही लगा था शायद शिराजी है, लेकिन ये क्रॉस बिल्कुल सही नहीं हो पाया बहुत ही। अरे भाई इसकी तो टेल भी ऊपर है, कहीं ये फेंटेल क्रॉस तो नहीं हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई। तो अभी दोस्तों इसको भी हम बाहर छोड़ देते हैं, ये देखो कितना ज़्यादा कमज़ोर ये बच्चा है, अब तक तो भाई ये प्रॉपर इसके खिला भी रहा है माँ बाप, लेकिन भाई ये अलग ही कमज़ोर सा ये बच्चा निकला है, तो खुद खा पी के सही हो जाएगा। और येलो बच्चे को भी बाहर निकाल दिया है, तो लगभग हमारे सभी कबूतरों के बच्चे बाहर हैं, देख सकते हो लॉफ्ट पूरा खाली हो चुका है, गंदा हो रहा है, उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपने सभी कबूतरों के लिए दाना ले आते हैं और इनको दाना डाल देते हैं। ये आ चुका है हमारे सभी कबूतरों का दाना, और कबूतर माशाल्लाह से थोड़े बढ़ चुके हैं, आपको रीज़न पता है, क्योंकि अब हम बच्चे भी बाहर निकालने लगे हैं, तो अब 2 जगह नहीं हम 3 जगह इनको दाना रखने लगे हैं। ये देख सकते हो भाई इनको 2 प्लेट में और एक इनके ट्रे में अपन ने दाना रख दिया, और भाई वो दोनों बच्चों को भी बाहर निकाल लाओ। जो 2 बच्चे हैं दोस्तों वो हैं भाई हमारे एक ब्लैक के, जो एक ब्लैक था और एक सिल्वर था, तो वो भी भाई काफ़ी बड़े हो चुके हैं, खुद खाने भी लगे हैं, पेरेंट खिला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन इनको बाहर ना निकालें। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये आ चुका है सिल्वर बच्चा बाहर और ये आ चुका है ब्लैक बच्चा बाहर, माशाल्लाह से दोनों ही बहुत अच्छे हो रहे हैं अभी तो,
और ख़ुद खाएंगे। ये देखना अभी आप, ये देखो भाई, ये खुद जाकर खाने लगा। और जो लैवेंडर था अपना क्रीम बार, वो भी खुद खा रहा है। और येल्लो नहीं खा रहा क्योंकि येल्लो के माँ बाप बहुत अच्छे से इसको खिला रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, उसकी माँ अच्छे से खिला रही है। बाकी सभी कबूतर दाना खा रहा है, इनको छोड़ के ये कुछ नहीं करते, बस इधर पत्थर में कुछ ना कुछ चोंच मारते रहते हैं। और पता नहीं भाई ये माशाल्लाह अल्लाह जाने कैसे ज़िंदा हैं, बस खा रहा है पी रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है, बस ये ज़िंदा है। बाकी हमारे सभी कबूतर खा रहे हैं दाना, तो अभी अपन इनको दाना खाने देते हैं। बच्चे भी खा रहे हैं, देख सकते हो, छोटा सिल्वर भी खा रहा है और वो ब्लैक वाला भी खा रहा है माशाल्लाह से। तो इन सभी को अपन दाना खाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ लॉफ्ट में। जैसे ये दाना खा लेंगे उसके बाद मैं आपको दो गुड न्यूज़ बताऊँगा, और एक चीज़ और करनी है हमें, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये लाइट जा चुकी है, थोड़ी सी लाइट आ जाए फिर मैं आपको शायद क्लियर बता पाऊँ। तो दोस्तों भाई दाना तो हमारे सभी कबूतरों ने खा लिया है, लेकिन हल्का सा जो हमारा ये ग्रे बार मेल है ये मुझे सुस्त लगा, और भाई इसने थोड़ी सी उल्टी भी कर दी थी। तो अभी मैं इसको दे रहा हूँ दोस्तों सिर्फ तीन गोलियाँ। तीन गोलियाँ में क्या है आप देख सकते हो, हाफ न्यूरोबिन है 100 mg की, तो ये हो गई भाई 50 mg, और हाफ़ है भाई इसमें मेट्रोजेल, देख सकते हो ये वाइट मेट्रोजेल है, और ये येल्लो जिसमें है ये न्यूरोबिन है, और ये जो येल्लो कलर की आपको दिख रही है ये भाई कोई नहीं, ये है अपनी टेट्रासाइक्लिन की गोली। तो ये तीन गोलियां मैं उसको देता हूँ, तीन तो मैंने इसको दे दी हैं, उसके बाद ये भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अभी दोस्तों गोली भी हमने दे दी थी, और ये देख सकते हो भाई सभी कबूतर दाना हटा दिया था तो इधर उधर घूम रहे हैं, और ब्लैक शिराजी अभी भी माशाल्लाह से अपने बच्चों को फीड करवा रहा है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों अपने लॉफ्ट के अंदर, और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एक भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़। वो गुड न्यूज़ आप देखकर खुश हो जाओगे। आपको याद होगा दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने किया था अपना एक शिराजी पेयर सेटअप थे यहाँ पर, और भाई वो दौड़ा भी रहा था। मैंने बोल ही दिया था कि दोस्तों वो एक दो दिन में अंडे भी दिलवा देगा, तो फाइनली दोस्तों हुआ कुछ ऐसा ही। फाइनली देखो भाई आप लोग, हमारी तुलसी फीमेल ने जो रेड शिराजी से लगी हुई है, लास्ट वीडियो में अपन ने इसको शिफ्ट किया था, इसमें ये जल्दी सेट इसीलिए हुए थे शायद दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि भाई इसको देना थे अंडे। तो भाई ने कटोरा रख दिया, और ये देखो दोस्तों बहुत डरती है इसकी, मैं ज़्यादा क्लोज नहीं आऊँगा। माशाल्लाह से फाइनली इन्होंने फिर से एक अंडा दे दिया है, एक दिया है दो दिए, ज़्यादा छेड़ नहीं रहा नहीं तो वो बिचक जाएगी। तो ये देख सकते हो दोस्तों फाइनली भाई इन्होंने अंडा दे दिया है, और ये भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई क्योंकि हमने इसको परसों ही शिफ्ट किया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। तो ये भाई बहुत अच्छी चीज़ हो चुकी है कि इन्होंने एक अंडा दे दिया है। वो दोस्तों मैं एक चीज़ जैसे कि मैंने कहा था करने वाला हूँ, वो ये है दोस्तों हमारी जो लक्का है आपने देखी हुई है, इसके नीचे हमने रखा था भाई एक फेक एग, कल ही भाई ने रख दिया था। उसका रीज़न ये है, मैंने आपसे पहले ही बोला था हम लक्का से लक्का के अंडे नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या सोचा है कि भाई देखो फेंटेल ने तो अंडे अभी भी नहीं दिए, ना अपन शिराजी का पलवा सकते, तो हम सोच रहे हैं दोस्तों क्यों ना ये रेड और येल्लो मुखी जो हमारे पास पेयर है, अपन इनका एक अंडा उठा के अपनी लक्का के नीचे रख दें, एक ये पाल लेंगे एक ये पाल लेंगे, दोनों का काम हो जाएगा और दोनों बच्चे भी हेल्दी आएंगे। तो भाई तुम एक काम करो, इनके नीचे से एक अंडा उठाओ। तो अभी दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अपनी येल्लो मुखी फीमेल के नीचे से एक अंडा उठा रहे हैं, और भाई उसको हम रख देंगे अपनी लक्का के नीचे। उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं अभी होगा होंगे फर्टाइल, क्योंकि लास्ट टाइम भाई इनके अंडे फर्टाइल नहीं हो पाए थे, इस बार भी भाई मुश्किल लग रहा है मुझे। तो देख सकते हो दोस्तों अभी तक तो भाई इनका अंडा फर्टाइल नहीं हुआ है, रहने दे, तो फिर रहने दो। तो दोस्तों भाई अब हम अंडा नहीं हटा रहा है, अभी आपने देखा रीज़न आपके सामने है। रीज़न ये है कि भाई इनका अंडा अभी तो फर्टाइल नहीं है, और शायद भाई इस बार भी ना हो, कोई भरोसा नहीं, तो उसका अपन कोई कुछ नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है। इनके नीचे फिर फेक ही अंडा रखा रहने देते हैं, फेक हो या अनफर्टाइल बात एक ही है, बस दोनों टाइम से बैठे रहेंगे। पेटियों के हाल कुछ ऐसे हो चुके हैं दोस्तों, देख सकते हो भाई मतलब ख़राब ही हो चुकी हैं पेटियाँ, बस जल्द से जल्द हमें नई पेटियाँ लाना है और पूरे लॉफ्ट में नई पेटियाँ रखना है। तो ये जो दूसरा काम था दोस्तों इसको कर दिया है कैंसिल, रीज़न आपने देख ही लिया क्यों हमने किया, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बाकी मैं आपको बच्चे भी दिखा देता हूँ थोड़े बहुत। तो ये दोस्तों हमारे फैंसी पेयर का बच्चा है जो भाई ने हाथ से निकाला था, यहाँ तक है भाई ये फैंसी में दो बार आ सकता है, काफ़ी अच्छा लगेगा। और इधर कुछ भी नहीं है, ये अपने एक अंडे पे बैठी हुई हैं, और ये येल्लो बच्चा आ रहा है, मैंने आपको दिखाया था, इसको वापस रख दिया। और जो ब्लू बार के जो बच्चे थे दोनों, तो दोस्तों भाई ये ब्लू बार ही आ रहे हैं, देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह से, तो ये दोनों ब्लू बार आ रहे हैं, और बाकी जब बड़े होंगे तब इनका कलर साफ़ होगा। और ये अपने अंडों पर अपना, इसके नीचे एक बच्चा निकला था, तो एक ही बच्चा था आपने शायद देखा था लास्ट वीडियो में,
तो काफ़ी टाइम के बाद दोस्तों हम रेड बच्चा ले पाएंगे। देखते हैं भाई येल्लो आता है रेड आता है, जैसा भी आएगा इंशाल्लाह मैं आपको बता ही दूंगा। और एक चीज़ और बची है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, उससे पहले हम सभी अपने सभी कबूतरों को कर देते हैं लॉफ्ट के अंदर बंद। तो दोस्तों देख सकते हो माशाल्लाह से हमने कर दिया है अपने सभी कबूतरों को अंदर, और अभी हम बचा हुआ दाना भी रख देंगे ताकि ये खा लें। तो अभी मैं आ जाता हूँ लॉफ्ट में वापस, चलो वापस बाहर चलो अंदर चलो सॉरी। तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ लॉफ्ट के अंदर, और एक गुड न्यूज़ और हुई है, मैंने सोचा वो भी आपको बता दूँ। तो वो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि फाइनली हमारा जो एक ये फैंसी पेयर है, कौन सा है, ये ऑरेंज मेल है, आपको याद होगा येल्लो दो बाज में, इससे एक फैंसी फीमेल लगी है ये। तो दोस्तों इसने भी एक अंडा रखवा दिया है, सामने आप देख सकते हो माशाल्लाह से। तो ये हुई है भाई दूसरी गुड न्यूज़, हो सकता है आजकल मैं ये दूसरा अंडा दे दे, आज ही तो दिया है, कल या परसों तक मैं ये दूसरा अंडा दे दे, और ये हुआ तो भाई आज दूसरा अंडा दे देगी, दे दे तो अच्छा है, नहीं तो भाई हम समझेंगे इसने एक ही अंडा दिया। ये देखो भाई मेल भी सेट है और ये किसी को अपनी पेटी में घुसने भी नहीं दे रहा है। तो ये दो गुड न्यूज़ दोस्तों हमारे लॉफ्ट के अंदर हुई हैं, आप देख सकते हो, एक शिराजी का, शिराजी ने अंडा दे दिया, दूसरा हमारे ये वाले फैंसी पेयर ने एक अंडा दे दिया। अब देखते हैं दूसरा अंडा भाई ये कब तक देते हैं, बाकी तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, देख सकते हो आप लोग जो कुछ था मैंने आपको पूरा आज की वीडियो में बता दिया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।